लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पंडित अनिल पांडे जी द्वारा प्रदत्त साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह के प्रारंभ में 18 तारीख को रात के 12 बजे से प्रातःकाल 7:28 तक जन्म लेने वाले बालक की राशि वृषभ होगी। यह बालक अपनी पूरी आयु में सुख सुविधाओं का अच्छा उपयोग करेंगे। 18 नवंबर को 7:28 से लेकर 20 तारीख को 12:52 PM तक के बच्चों की राशि मिथुन होगी। यह बालक भाग्यशाली होंगे। 20 तारीख के 12:52 दोपहर से लेकर 22 तारीख को 8:28 शाम तक जन्म लेने वाले बच्चे कर्क राशि के होंगे। इन बालकों को आगे चल के बहुत सुख प्राप्त होगा। इसके उपरांत इस सप्ताह के अंत तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि सह होगी। यह बालक उच्च अधिकारी हो सकते हैं। आइए हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। इस सप्ताह आपके पास धन आने का योग है। भाग्य भी थोड़ा बहुत आपका साथ दे सकता है। सुख सुविधाओं में कमी आएगी। समाज में प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए 20 तारीख के दोपहर के बाद से लेकर 21 और 22 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त हैं। सप्ताह के बाकी दिन ठीक ठाक रहेंगे। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। वृष राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकती है। आपके जीवन साथी और पिताजी का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। माता जी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। कार्यालय में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 23 और 24 नवंबर हितवर्धक है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मिथुन राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगति होगी। भाग्य आपका एकाएक साथ दे सकता है। आपका व्यापार ठीक चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 18, 19 और 20 नवंबर के दोपहर का समय अनुकूल रहेगा। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपके शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 20 तारीख की दोपहर से 21 और 22 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए अनुकूल है। 18, 19 और 20 तारीख की दोपहर तक आपको कोई भी कार्य पूर्ण सावधानी के साथ करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का जल और दूध से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। सह राशि, इस सप्ताह आपके जीवन साथी, आपके माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। आपके सुख में वृद्धि होगी। शत्रुओं को आप आसानी से परास्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 23 और 24 नवंबर किसी भी कार्य को करने के लिए लाभदायक है। 21 और 22 नवंबर को आपको कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपका अपने भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा ठीक हो सकता है। आपके शत्रु इस सप्ताह शांत रहेंगे। भाग्य से आपको मदद मिलेगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके लिए 18, 19 और 20 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 23 और 24 तारीख को आपको कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गणेश चतुर्थी का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपको धन की अच्छी प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। आपको अपनी संतान से सहायता प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपके लिए 20 तारीख के दोपहर के बाद 21 और 22 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। सप्ताह के बाकी दिन सामान्य है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है।
वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपका, आपकी माता जी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपके सुख में वृद्धि होगी। आपको अपनी संतान से सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 23 और 24 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 21 और 22 तारीख को भाग्य आपका साथ दे सकता है। इस सप्ताह आपको 18, 19 और 20 तारीख को सतर्क रह करके कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। धनु राशि, अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आपके पास विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है। दुर्घटनाओं से सतर्क रहें। इस सप्ताह आपके लिए 18, 19 और 20 की दोपहर तक का समय किसी भी कार्य को करने के लिए मंगलदायक है। 20 की दोपहर के बाद 21 और 22 तारीख को आपको सतर्क रह करके भी कोई भी कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। व्यापार में वृद्धि होगी। कचहरी के कार्यों में सतर्क रहें। लंबी यात्रा का योग भी बन सकता है। आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 20 की दोपहर के बाद से 21 और 22 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए परिणामदायक हैं। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कार्यालय में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सुख संबंधी सामग्रियों को आप खरीद सकते हैं। शत्रुओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 23 और 24 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 20, 21 और 22 तारीख को आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपका भाग्य साथ देगा। व्यापार में वृद्धि होगी। कचहरी के कार्यों में सावधानी पूर्वक करें। आपके संतान को कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 18, 19 और 20 की दोपहर तक का समय किसी भी कार्य को करने के लिए लाभदायक है। 23 और 24 तारीख को आपको सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। ध्यान दें कि यह सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको किसी भी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए।